भगवान राम की प्रतिमा को नए मंदिर परिसर में ले जाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्म कुटी पूजन के बाद राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। आज यानी 17 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। इस दौरान रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर में भ्रमण कराया जाएगा, जिसके बाद गर्भगृह का शुद्धिकरण किया जाएगा और फिर रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। इस दौरान मंदिर परिसर में यज्ञ और हवन का कार्यक्रम चलता रहेगा। 22 तारीख को जो तिथि और मुहूर्त है वो लगभग 12:30 बजे है। उससे पहले जो पूजा विधि है वो अभी शुरू हो चुकी है और वह पूजा विधि कल प्रातः संभवतः रामलला गर्भगृह में आएंगे। विभिन्न प्रकार की जो पूजाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जैसे उनका विभिन्न नदियों के जल से स्नान होगा, अभिषेक जिसे कहते हैं, ये तो आजकल में होगा, ये आने वाले 2-3 दिनों में। इसी प्रकार जो देव, जो एक तरीके से भगवान को देवों का दर्शन कराना है, और दर्शन का मतलब है कि वो पूरी निष्ठा के साथ मंत्रोच्चारण के साथ उनको उनके प्रत्यक्ष रखने की बात है, तो वह कार्यक्रम भी चलेगा। अंत में जब 22 तारीख को 12:30 बजे शुभ मुहूर्त होगा, तो यह विश्वास लोगों का होता है और इस विश्वास को हम किसी प्रकार का, इस विश्वास पर हम प्रश्न सूचक बिंदु नहीं उठा सकते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा की है। कुछ लोग हो सकता है कहे प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि मूर्ति में शक्ति हो और यह पूरे विश्व को एक मनुष्य के स्वरूप से ऊपर उठकर भगवान के रूप में देख रहे हों। ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा मंत्रों के उच्चारण और विभिन्न कर्म कांडों से होती है, वह पूर्ण की जाएगी। जिस ट्रक में रामलला भव्य मंदिर में पधारेंगे, उस ट्रक को पूरी तरह से फूलों से सजाकर जुलूस की पूरी तैयारियां कर ली गई है। वही भगवान राम के गर्भगृह में आने से पहले मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की गई। साथ ही महिलाओं ने भगवान श्री राम के जलाभिषेक के लिए सरयू नदी से जल लेकर राम मंदिर पहुँची है। हमारे मंदिर में कलश यात्रा है आज, जो हम लोग जल भरने आए थे। अब कथा चलेगी 7 दिन तक और हम लोग बहुत खुश है। 22 जनवरी को संपन्न होगा, भंडारा रहेगा, हम लोग बहुत खुश है। पूरी अयोध्या बहुत खुश है। जय श्री राम। गौरतलब है 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें पीएम मोदी समेत देश दुनिया के प्रतिनिधि और साधु संत शामिल होंगे, जिसे लेकर पूरी अयोध्या को त्रेता युग की तर्ज पर सजाया जा रहा है। पूरे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिससे पूरी अयोध्या राममय हो गई है। साथ ही लोगों में काफी उत्साह का माहौल है।